नमस्कार दोस्तों, बाबर आजम से जलने वालों की एक लंबी लाइनें लगी हुई है, लेकिन उससे भी ज्यादा उनसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं और उनमें से मैं भी एक शामिल हूं। बाबर आजम का नाम मैंने जो है रिकॉर्ड तोड़ आजम रखा है, वो इसलिए क्योंकि बंदा जब भी मैदान पर उतरता है कोई ना कोई एक रिकॉर्ड तोड़ ही देता है। आज बाबर आजम पाकिस्तान के लिए नीदरलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो कई रिकॉर्ड उन्होंने बनाए। सबसे पहले रिकॉर्ड पर ही बात कर लेते हैं। दरअसल में मुकाबले से पहले बाबर आजम ने 87 वनडे पारियों में 4,442 रन बनाए थे, जिसमें से 17 शतक और 19 अर्धशतक जो है उन्होंने वनडे क्रिकेट में लगाए। तो 4,500 रन पूरे करने के लिए बाबर आजम को 58 रन की जरूरत थी, 58 रन की दरकार थी और बाबर आजम ने इस मुकाबले में 74 रन की पारी खेली, 74 रन की पारी खेली, 85 गेंदों का सामना किया, 6 चौके और एक शानदार छक्का जो है बाबर आजम ने लगाया। क्या ही शानदार पारी खेली, हालांकि शतक जड़ने से चूक गए, लेकिन बाबर आजम ने जाते जाते एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो इसलिए क्योंकि बाबर आजम शुरुआती के 88 वनडे पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। इससे पहले हाशिम अमला के नाम यह रिकॉर्ड था। बाबर आजम ने 88 वनडे पारियों में 4,500 रन का जो वो लक्ष्य था वो पूरा कर लिया, लेकिन हाशिम अमला ने 89 वनडे पारियों में यानी 89 इनिंग्स में 4,500 रन पूरे किए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था और उस रिकॉर्ड को जो है बाबर आजम ने तोड़ दिया है। तो अब देख लीजिए, जैसा कि हमने कहा था आपको कि बाबर आजम अगर 58 रन बनाते हैं तो 4,500 रन पूरे कर लेंगे और भाई साहब ने 4,500 रन भी पूरे कर लिए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप बाबर के फैन हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। धन्यवाद।